इस वक्त आवाम को समझना है, हुकूमत अपने तौर पे कुछ करने वाली नहीं है। देश में बड़ा बवाल, रोटी रोजी का है सवाल। बदकिस्मती से इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत अपने मकसद के लिए आवाम को लड़ा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। 15 तारीख के दिन 11 बजे आप जगर सर्कल पे सभी लोग जमा हो जाएं। This video present by Mannur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. WPI ki janib se pure Karnatak mein ek 15 tarikh se ek muhim chalai ja rahi hai, Jana Jagrati Jata ke naam se awami bedari karwa, jo ke Gulbarga se uski launching hai. गुलबर्गा से होते हुए वो कर्नाटक का पूरा दौरा करेगी। इस तरह से लॉन्चिंग प्रोग्राम जो है ना, गुलबर्गा से ही वैन का लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। इंशाल्लाह 15 तारीख को बरोज़े हफ्ता 11 बजे इसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम जगत सर्कल पे किया जाएगा, और वहाँ से लॉन्चिंग प्रोग्राम होने के बाद तिम्मापुरी सर्कल पे वो वैन पहुंचेगी, और बस स्टैंड से होते हुए शाम में 8 बजे मुस्लिम चौक में उसका एंडिंग होगा। उसके बाद दूसरे दिन गुलबर्गा से वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना होगी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है, WPI का जो ये जना जाता आंदोलन जो निकाला जा रहा है, इसका मकसद यही है कि इस वक्त देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो माहौल को पैदा किया गया है, जो माहौल को बनाया जा रहा है, वो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके लिए जिसको यानी आवाम को महंगाई के तरफ, आवाम की परेशानियों के तरफ, आवाम को गुम के उधर जहन जा नहीं रहा है उनका, यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम बना रही है, ऐसे माहौल को क्रिएट करके पूरी हुकूमत कर रही है कि आवाम इस वक्त इतने परेशान है कि आवाम का जहन को भटकाने के लिए गवर्नमेंट अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम यानी ऐसी हुकूमत चला रही है जिसकी वजह से पूरी आवाम परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट अने माहौल ऐसे माहौल में लोगों को उलझा कर रख दी है कि उस तरफ जहन नहीं जा रहा है। इसीलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये फैसला की है पूरे कर्नाटक के अंदर, वो अवामी बेदारे कारवां पूरे कर्नाटक में मनाएगी और आवाम तक ये बात को पहुंचाएगी कि ये हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा रहा है। आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की तारीफ की जाती है, इतना बड़ा जमहूरी मुल्क जो पूरे मज़हब का सम्मान के साथ यहाँ पर आज तक हुकूमतें हुई है, हुकूमतें की गई है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत अपने मकसद के लिए आवाम को लड़ा रही है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई से इतने परेशान हैं। आज जो रेट में आप माल खरीदी करेंगे, कल सुबह में जाकर उसी का रेट पूछिए, वही माल लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका रेट बढ़े हुआ है। इस तरह से जो है ना, डे बाई डे हर चीज़ का, खाने पीने की हर चीज़ के कीमतें में इजाफा ही होता जा रहा है। इसलिए WPI चाहती ये है कि भाई आवाम के अंदर इसकी बेदारी लाए, आवाम के अंदर इसको, इस वक्त आवाम को समझना है, हुकूमत अपने तौर पे कुछ करने वाली नहीं है, हुकूमत अपना काम कर रही है, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए वो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन असल जो समझना है आवाम को समझना है, हमारे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को समझना है, हमारे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को समझकर अपना फैसला करना है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। इस चीज़ को जो है ना समझाने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जो 15 तारीख से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरे कर्नाटक का दौरा करेगी, करते हुए लोगों के अंदर एक पीस तरह से एक पीस माहौल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमें किसी को टारगेट करके, किसी की ताईद में,
किसी की मुखालिफत में ये काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के खिलाफ ये हमारी मुहिम है और हम मुतालबा करेंगे अवाम की जानिब से हुकूमत पर कि ये महंगाई जो रोज़ाना जो बढ़ती जा रही है इसको ख़त्म करें। अवाम से हमारी ये अपील है कि 11 तारीख के यानी 15 तारीख के दिन 11 बजे आप जगर सर्कल पे सभी लोग जमा हो जाएं, हमारी तमाम एनजीओस के तंजीमों से, तमाम मजहब बिला मजहब व मिल्लत तमाम अवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है, WPI की जानिब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप 11 बजे हमारे प्रोग्राम में आइए और इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक 15 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है, देश में बड़ा बवाल रोटी रोज़ी का है सवाल। इस तहत हिंदुस्तान में जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है, इसके खिलाफ ये हमारा कारवां गुलबर्गा से शुरू होगा और पूरे कर्नाटक का दौरा करते हुए मंगलूर में ख़त्म होगा। मैं गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूं कि 15 तारीख को सुबह 11 बजे जगत सर्कल पर पहुँचें और अपना जो इस कारवां में शामिल हो के, इस एहतजाजी कारवां में शामिल हो के अपना जो हक़ है महंगाई के ख़िलाफ़ और अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसको रोकें, ताकि ठीक ताकि रोकें और महंगाई कम हो, सरकार को अपने नीतियों को जो बोली है सरकार सबका विकास सबका साथ बोल के उसके तहत चले। फिर एक बार मैं ये कहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से देश में बड़ा बवाल रोज़ी रोटी का है सवाल, इस उन्वान पे एक कारवां निकाला जा रहा है गुलबर्गा से मंगलूर तक। 15 तारीख को सुबह 11 बजे आप तमाम अवाम से गुजारिश की जाती है कि सुबह 11 बजे जगत सर्कल पहुँचें, वहाँ पे हमारे नेशनल लीडर्स और स्टेट लीडर्स भी वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और सबको खिताब करेंगे। देश में बड़ा बवाल रोज़ी रोटी का है सवाल, इसका मकसद यही है कि अवाम में एक बेदारी लाए ताकि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हम जो गुरबत है उसको, उस अवाम को जगाना चाहते हैं कि असल में जो परेशान है जनता उसको हम जगाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कानून आए हैं सब मूवमेंट के थ्रू आए हैं, आंदोलन के थ्रू आए हैं। हम ये जनता के सामने जाके ये आंदोलन को इस बड़ा करना चाह रहे हैं कि ताकि अवाम अपने हक़ के लिए, बेरोज़गार अपने हक़ के लिए, गरीब अवाम महंगाई को रोकने के लिए आगे आएँ और ये आंदोलन को कामयाब बनाएँ। शुक्रिया।